तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ और मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और उसमें कपड़े धुल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें कोई कमी आ गई है। तो मैकेनिक को बुलाया था हमने, तो आज तो आया नहीं और कपड़े मुझे इसलिए धोने पड़ रहे हैं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं, पहले ही इतने हो गए हैं। और मैं ना हफ्ते में दो बार वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत हाथ से ही धो लेती हूँ, थोड़े थोड़े भी अगर धोती रहूँगी तो इतना बर्डन नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ और धोना तो मुश्किल होता ही है कपड़े हाथ से, लेकिन ये कि गर्मियाँ हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आज कपड़े वगैरह धोए थे, एक्चुअली क्या वॉशिंग मशीन की गड़बड़ के चक्कर में मुझे हाथ से धोने पड़े, तो वो तो धुल गए हैं। चलिए और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हस्बैंड मेरे क्या कर रहे हैं। और आज मतलब जाना नहीं था, छुट्टी थी आज उनकी, तो आज उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, मैं काम करने लगी तो। और चलिए मैं आपको साथ शेयर करती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हस्बैंड काट रहे हैं कच्चे आम, ये अचार के लिए मंगाए थे। और ना आज थोड़ा सा लेट जाना है इन्होंने, तो इन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और मैं काट देता हूँ, क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी। तो इन्होंने कहा चलो मैं एक काम निपटा देता हूँ आपका। और यहाँ पर वो आम काट रहे हैं, उसके बाद मैं थोड़ी सी धूप लगाऊँगी इनको, ज़्यादा नहीं है, 5 किलो ही मंगाए थे। और ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। बच्चे दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने छुपा रखा है पापा का फ़ोन। पापा का फ़ोन ये लेकर आ जाते हैं जब वो किसी काम में लगे होते हैं तो। और इनका सृष्टि का फेवरेट है बागले की दुनिया, ये बहुत ही मन से देखती है सीरियल को और इसको कभी भी मिस नहीं करती है। और पावनी को अच्छा लगता है छोटा भीम, तो पावनी और सृष्टि के फेवरेट सीरियल है। ऐसा होता है इनका कॉम्पिटिशन चलता है, एक सीरियल उसका और एक सीरियल इसका, ऐसा चलता है। और ये ना अधिकतर ऐसा होता है अपने रूम में भाग के आ जाते हैं और ताकि पापा की नज़र के सामने ना पड़े, नहीं तो फ़ोन ले लेंगे पापा। तो इसलिए देखिए खूब खुश हो रही है ये कि पापा अपने काम में लगे हैं और मुझे फ़ोन मिल गया और मैं देख लूँगी फ़ोन। पर मैं भर रही हूँ पानी की बॉटल और आर ओ से भर के फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि बार बार बॉटल्स निकलती रहती है। मैं तो एक भी बॉटल अगर बाहर रहती है तो सोचती हूँ कि जल्दी लगा दूँ, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हो रही है और बार बार पानी पी रहे हैं बच्चे। और ये क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं रहता इनको और बॉटल बाहर रख देते हैं। तो यहाँ पर बॉटल भर के लगा दी। और देखिए फ्रेंड, मैं छत से कपड़े लेकर आ गई हूँ, छत पर डाले थे कपड़े क्योंकि सुखाए नहीं थे मशीन में, और मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ कपड़े। तो जो कपड़े प्रेस के हैं वो अलग करती जा रही हूँ और जो बिना प्रेस के हैं उनको मैं ठीक से तय कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रेस के होते हैं ना उनको तो बस जल्दी जल्दी लपेट देती हूँ और जो बिना प्रेस के होते हैं उनको ठीक से तय करना पड़ता है। तो बस ये कपड़े समेटने के बाद फिर मैं प्रेस लगा लूँगी।
तो देखिए यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ, और प्रेस मैं हमेशा इसी रूम में लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पर एसी लगा हुआ है और पता नहीं क्यों प्रेस करते टाइम वैसी गर्मी लगती है। तो यहाँ पर एसी चला हुआ था तो मैंने कहा चलो प्रेस भी कर लेती हूँ। अभी लाइट आ रही है, लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे एरिए में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब लाइट हो तो तुरंत ही कपड़े प्रेस वगैरह कर लूँ, और कपड़े भी मैं फटाफट धो लेती हूँ जब लाइट होती है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी सा हो गया शेड्यूल मेरा भी जब से YT ज्वाइन किया है, क्योंकि लाइव भी जाती हूँ मैं, लाइव करती हूँ तो उसके बाद बस ऐसे ही हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए मैं कपड़े प्रेस करी थी और बीच में ही लाइट चली गई है और कपड़े मेरे अटक गए हैं, कपड़े प्रेस। देखो ये होता है जब कुछ करने लगो। ओके थैंक यू। तो देखिए सृष्टि मेरे लिए नींबू पानी बनाकर लाई है, और आज हिम्मत भी बिल्कुल भी नहीं है कुछ करने की, मालूम नहीं क्यों एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही है और आंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है मेरी। तो मैंने अब सोच रही हूँ कपड़े बंद ही कर देती हूँ क्योंकि लाइट मालूम नहीं कब आएगी, तब तक के लिए बैठी नहीं रहूँगी और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। चलिए मैं नींबू पानी इंजॉय करती हूँ और आप लोग भी आ जाइए नींबू पानी पी लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बीपी भी लो लग रहा है मुझे अपना आज और सिर भी घूम रहा है, तो नींबू पानी पी रही हूँ इसी वजह से। मैंने कहा सृष्टि को बनाने के लिए, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ये जो काम करना है वो तो करना है। हमारे एरिया में ना लाइट बहुत कम रहती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही लाइट आए तो तुरंत थोड़ा थोड़ा कपड़े प्रेस हो जाए या कपड़े वगैरह धुल जाए, तो लेकिन वॉशिंग मशीन के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और देखो कल आएगा वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए, तो कल हो जाए तो अच्छा ही है। तो फ्रेंड देखिए आम काटे थे अचार वाले, तो वो आम मैंने अभी धूप में सुखा दिए हैं, और मैं क्या करती हूँ जब आम काटने के बाद एक बार धूप में सुखा लेती हूँ, धूप लग जाती है उसके बाद ही उसको डालती हूँ क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है नहीं तो मैंगो में। और ना कपड़े प्रेस भी हो गए हैं, बस अब लाइट चली गई तो थोड़े से कपड़े मेरे रह गए हैं, लाइट आएगी तो मैं वो भी कर लूँगी। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाला था, और फ्रेंड अगर मेरी वीडियो किसी भी एंगल से आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड हम लोग मिलते हैं आपसे कल, तो तब तक के लिए बाय बाय।